क्या हमें कुछ और कहने की जरूरत है? एक तरफ पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, वहीं राज्य सरकारें गंदी राजनीति का खेल खेल रही हैं। गुजरात कांग्रेस ने 19,200 प्रवासी श्रमिकों के अपने घर लौटने के लिए 12 ट्रेनों के किराए का भुगतान कर दिया है, लेकिन सूरत के कलेक्टर मुफ्त ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि ये सभी ट्रेनें रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों की लिस्ट में हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने बिल्डर लॉबी के प्रभाव में प्रवासी श्रमिकों के लिए 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया। नीतीश सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के बाद बिहार के लिए ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। जब राज्य सरकार अपने ही लोगों को स्वीकार करने या उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करने से इनकार कर रही है, पीएम जो प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त ट्रेन, बस या आश्रय देने में असमर्थ है, वह 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं।